नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा की 12 महिला विधायकों ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को राज्य में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की नसीहत दी थी, लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पत्र के जवाब में उल्टे उन्हें ही नसीहत दे डाली है। उद्धव ने दुष्कर्म और हत्या के मामलों को राष्ट्रव्यापी समस्या बताते हुए राज्यपाल को केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करने के लिए कहा था। बुधवार को 12 महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री के इसी जवाब को आधार बनाकर उन्हें पत्र लिखा। पत्र में महिला विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से हर समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसीलिए वो यहाँ की स्थिति से मजबूती से निपटने के बजाय हमेशा केंद्र पर उंगली उठाकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में महाराष्ट्र को देश के अव्वल बताते हुए महिला विधायकों ने कहा है कि उनका ये दावा है कि ऐसी चीजें दूसरे राज्यों में भी होती हैं, किसी के लिए गर्व की बात नहीं है। महिला विधायकों ने ठाकरे से सवाल किया है कि राज्य में महिलाओं की असमत लूटी जा रही है, तो मुख्यमंत्री ऐसे में संसद का विशेष सत्र बुलवाकर सूबे की आबरू का दिल्ली में प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं। मौजूदा समय में सूबे में महिला अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक उदाहरण का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि परभणी में एक नाबालिग लड़की के साथ बहरहमी से दुष्कर्म किया गया और बाद में उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पत्र में आगे कहा गया है कि जब राज्य की महिलाएं अत्यधिक असुरक्षा में जी रही हैं, तो सीएम अन्य राज्यों के साथ तुलना करने में क्यों व्यस्त हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली भाजपा विधायकों में माधुरी मिसाल, विद्या ठाकुर, देवयानी फरांडे, मनीषा चौधरी, सीमा हीरे, श्वेता महाले पाटिल, मेघना साकोर बोर्डिकर, डॉक्टर नमिता मुंडाडा, मांडा महात्रे, भारती लवकर, मोनिका राजले और मुक्ता तिलक शामिल हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।